like rock ka gana suna wala rock rock style very 6-8 ke beat mein de dhanadan aapne kabhi nahi suna it's called ignite. खैर उससे पहले मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं कि बिग बॉस के वीकेंड के वार पे बहुत मजा आया. सबसे पहले मुझे अच्छा लगा जब वो तीनों जो री एंट्री करने वाले थे अरहान और शेफाली बग्गा और जो पहली बार एंट्रेंट है मधुरिमा तुल्ली जो विशाल की सपोजिटली गर्लफ्रेंड थी और अब नहीं है और दोनों में वॉर वॉर है और वो तो अब जो होगा होगा अंदर. पहले उन्हें बोला गया कि आपको अंदर जाना है और वो मीटर था जिससे वो दिखाते थे कि कितना रिएक्शन उन्होंने नोट किया. तो सबसे पहले गए अरहान और अरहान ने बहुत अच्छा किया मगर वो एक ही लाइट जला सके क्योंकि वहां कोई रिएक्शन नहीं मिला किसी ने रिएक्शन नहीं किया. इनफैक्ट वो गए रश्मि के पास और उन्होंने रिंग दिखाया और बोला कि आई लव यू और मैं वो जवाब देने आया हूं जो मैं उस वक्त नहीं दे सका मगर अब मैंने फैसला कर लिया है और मैं जवाब और दिखा के और जिस अंदाज से रश्मि जी ने उन्हें इग्नोर किया बाकी घर वालों ने इग्नोर किया और जैसे वो लगे रहे मगर उन्हें बड़े प्यार से उनको दरवाजे तक छोड़ा रिएक्शन ना देते हुए भी. इट वॉज अ वेरी टचिंग सीन एंड आई रियली लाइक्ड इट. उसके बाद आई शेफाली बग्गा घर के अंदर और उन्होंने खूब रिएक्शन दिए. इनफैक्ट सबने उनसे गले भी मिले और तो उनका रिएक्शन मीटर तो बहुत हाई था. जब मधुरिमा टुल्ली गई उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्होंने एक्चुअली रिएक्शंस देने की पूरी कोशिश की उनका भी बहुत अच्छा हो गया. इस वजह से वो तीनों इस हफ्ते के नॉमिनेशन से बाहर है मगर इसके बावजूद बहुत कुछ हंगामे हुए हैं घर के अंदर. ये तो एक बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन मगर जब कैप्टन ऑफ द हाउस को बोला गया कि अब आपको एलिमिनेशन हम बताएंगे कि कौन होगा लेवल होगा मतलब कौन इस नॉमिनेशन में खड़ा है और आपको सेलेक्ट करना है किसको नॉमिनेट करेंगे तो ये सिद्धार्थ के सर पे पड़ गया कि जो भी उनके सामने आए उनको नॉमिनेट करके उनको बाहर निकालना है. तो स्विमिंग पूल के अंदर गद्दे बिछाए गए थे कि वो रात को उस उतर ही सोएंगे जो भी नॉमिनेट हो जाए अंदर. तो जब सिद्धार्थ को यह मौका मिला तो जिस तरह से सिद्धार्थ ने उसे हैंडल किया वो ब्यूटीफुल. जो उनके दुश्मन थे सबको उन्होंने अंदर डाल दिया. आसिम को डाल दिया अंदर. अब ने सोचा था फिर रश्मि गई अंदर शेफाली गई अंदर मतलब ये सब नॉमिनेट हो गए अंदर. जब आरती और पारस की बात आई तो सबने सोचा था ये आरती को इसका मगर अगेन सरप्राइज सरप्राइज उन्होंने आरती को बचाया और पारस को अंदर किया. मगर इसमें तो उनका प्लॉय बड़ा सिंपल था. उनको ये देखना था कि पारस की कितनी फैन फॉलोइंग है और कितने पावरफुल है. आरती को नॉमिनेशन में डालते तो फिर आरती बाहर हो जाती. हर बार आरती बची ही है तो चलो क्या फायदा फर्क पड़ता है कहीं तो वो सही है तब तो घर में है दैट्स व्हाट आई थिंक. मगर ये माहौल अभी अंदर बन चुका है और सब अकेले अकेले लड़ रहे हैं. अब ये टीम वर्क वो कहते हैं मगर टीम में शहनाज बड़ी नाराज थी क्योंकि सिद्धार्थ ने पारस को नॉमिनेट करके अंदर ही से शी सेज के ये बहुत अनफेयर किया उन्होंने तो मे बी अनफेयर भी है मगर उन्होंने अपनी गेम अपने अंदाज से खेली के देखने के लिए कि वो भी चाहते हैं कि पावरफुल लोग बाहर जाए क्योंकि उनकी विक्ट्री ईजी हो जाती है. ईजी तो खैर बिग बॉस के हाउस में विक्ट्री है नहीं क्योंकि जब आप 100 डेज क्रॉस करने तक पहुंचोगे तो बहुत चीजें होंगी. प्रेशर बढ़ते जा रहा है टेंशन बढ़ते जा रहे हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं हंगामा होते जा रहा है ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे बहुत कुछ झगड़े होंगे तो ये चलता ही जाएगा और जो ये प्रेशर ले लेगा वो जीत जाएगा. तो अब इग्नाइट हो गया है इग्निशन लग गया है माचिस लग गई है और अब जलन हो रही है आग लग रही है आग लग रही है. इस बात पे मुझे गाना याद आता है इग्नाइट लेट्स हियर. Ignite.
ये मेरा गाना था इग्नाइट, इग्नाइट हो गया है, घर में सब पहुंच गए हैं, अब जो आग लगेंगी और सुलगेंगी और ब्लास्ट होंगे और जो मजे होंगे बिग बॉस के हाउस में, हर चीज मजेदार हो रही है, देखते रहिए बिग बॉस 13, जैसे दिन बढ़ते जाएंगे धमाल और बढ़ते जाएगा।